हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेटा हैंडलिंग। यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 5 है आपकी मैथ बुक का। यहाँ पर हम देखेंगे इसके यानी कुछ बेसिक टर्म्स, कौन कौन से ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला जो है डेटा वर्ड क्या होता है। डेटा जो है जिस तरीके से जो है आपके क्लास में जो है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथ का जो है एग्ज़ाम लिया गया, तो वहाँ पर जो है आपको अलग अलग जो है मार्क्स आए हर किसी को, ठीक है। किसी को जो है 10 में से मार्क्स थे, ठीक है, किसी को 9 आ गए, किसी को जो है 8 आ गए, किसी को 10 में से 10 आ गए, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग जो है बच्चों के ये जो है मैथ्स के मार्क्स थे, तो वो जो है उनको उसको हम क्या कहते हैं, जो मार्क्स वहाँ से आए हमें, ठीक है, यानी अलग अलग बच्चों के जो मार्क्स आए उसको हम जो है डेटा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है डेटा जो है जिस तरीके से टीचर फिर जो है इसी जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम आपका होगा, जिस तरीके से फाइनल एग्ज़ाम आपका होगा, तो वहाँ पर जो है आपको फिर टीचर जो है वो अकॉर्डिंगली जिस तरीके से आपने मार्क्स लाए होंगे उस डेटा की मदद से जो है फिर वो परसेंटेज निकालती है, फर्स्ट कौन आता है, फर्स्ट पोजिशन किसको है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, इसी तरीके से एवरेज स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, तो इस डेटा की मदद से हम बहुत कुछ जो है निकालते हैं फिर बाद में। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर हम ग्राफिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है ग्राफिक्स कौन कौन से होते हैं, पहले ग्राफिक्स क्या होते हैं, यानी जो भी हमारा डेटा है वो किस तरीके से हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी ग्राफ पर, तो उसको हम जो है ग्राफ कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ग्राफ के अलग अलग टाइप्स हैं, ग्राफिक्स के अलग अलग टाइप्स हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है यहाँ पर पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ क्या होता है, इसमें जो है हम पिक्चर्स की मदद से जो है या सिम्बल्स की मदद से जो है हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारा डेटा होगा। जिस तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर जो है कार्स का दिया गया है, कार्स में कहा गया है यहाँ पर कि जुलाई में, ठीक है, यहाँ पर जो है दो कार्स दिए गए हैं फुल, ठीक है, एक हॉफ कार दी गई है। इसका मतलब जो है एक कार जो है वो हैंड रन के बराबर है, ठीक है, हैंड रन के बराबर है। तो यहाँ पर जो है हैंड रन कार्स यहाँ पर हो गए, एक कार का मतलब हैंड रन, यहाँ पर हैंड रन, और ये 50 है, ठीक है। यो यहाँ पर जुलाई के मंथ में जो है कितने कार जो है 250 आए हैं। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर जो है तीन कार्स और 300। इसी तरीके से आपको कहा गया है कि इसका हमें बताए 1, 2, 3, 4, सो सितंबर के मंथ में कितने हैं 400 कार्स। उसके बाद जो है ऐसे ही जो है दूसरा ग्राफ यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट ग्राफ जो है वो बार ग्राफ है। बार ग्राफ के ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन जो है प्लॉट कर सकते हैं इस तरीके से ग्राफ पर। यहाँ पर जो है बार ग्राफ जो है वर्टिकली होते हैं, ठीक है, और इनमें जो है हम डाटा जो है जो भी हमें दिया गया होगा तो वो जो है डेटा हम जो है इस पर जो है प्लॉट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बिल्डिंग्स बनाने होंगे तो वहाँ पर जो है जिस तरीके से यहाँ पर जो है एकेडमिक ईयर जो है और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 8th के यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्कूल का जो है ये कहा गया है कि 2003 से 2004 तक जो है कितने बच्चे थे क्लास 8th में, इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर में कितने थे, उसके बाद ईयर में कितने थे एकेडमिक ईयर में, तो वो यहाँ पर जो है प्लॉट किए गए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट आता है डबल बार ग्राफ। ये क्या होता है कि यानी डबल बार ग्राफ कब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से आपको जो है दो यूनिट्स, यूनिट 1 और यूनिट 2 का जो है आपका एग्ज़ाम लिया गया। यूनिट 1 में जो है मैथ के आपके जो है 10 मार्क्स आ गए, यूनिट 2 में मैथ के मार्क्स आपके 8 आ गए। तो यहाँ पर जो है ये दोनों मैथ्स हैं, मैथ सब्जेक्ट दोनों हैं, तो यहाँ पर यूनिट 1 का हम पहले लिखेंगे और यूनिट 2 का बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है इन दोनों को एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, अलग अलग जो है यूनिट 1 है पहले, यूनिट 2 है, तो उसको जो है हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डबल बार ग्राफ के ज़रिए से। तो यहाँ पर भी डेटा जो है अलग अलग जो है एग्ज़ाम्स का होगा, अलग अलग जो है ऑब्जर्वेशंस का होगा, तो वहाँ पर जो है हम इस तरीके से इसको प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। तो ऑर्गेनाइजिंग डेटा जो है बेसिकली क्या होता है वो हम बाद में देखें, पहले हम देखेंगे रॉ डेटा क्या होता है। रॉ डेटा जो है ये बेसिकली जो है यहाँ पर जो हमने डेटा पढ़ा था पीछे वैसे ही जो है, ये भी टर्म है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का आपको कहा जाएगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद उनको कहा जाएगा कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है पसंद है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जो है वहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर हम 30 स्टूडेंट्स या 40 स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स को कहेंगे तो वो अलग अलग अपनी राय देंगे, किसी को जो है आर्ट्स पसंद होगा, किसी को जो है मैथ्स साइंस इंग्लिश ये पसंद होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो है वो हमें डेटा मिलेगा यानी रॉ डेटा मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर एग्जांपल एक दिए हैं, ठीक है, सब्जेक्ट जो है ये वाले दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आर्ट्स जो हैं वो 7 स्टूडेंट जो है पसंद करते हैं, मैथमेटिक्स जो है 5 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, साइंस जो है 6 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, इंग्लिश जो है 4 स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है ये टेली मार्किंग है। टेली मार्किंग क्या होती है, ये बेसिकली जो है यहाँ पर हम स्टैंडिंग लाइन्स लेते हैं, 4 पहले स्टैंडिंग लाइन्स लेते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर एक जो है वर्टिकल लाइन सॉरी स्लांटिंग लाइन लेते हैं, ठीक है, स्लांटिंग लाइन लेते हैं। उसके बाद जो है इस तरीके से ये जो है एक ग्रुप जो है 5 का होता है, यानी ये लाइन्स जो है ये 5 होते हैं, 4 जो है स्टैंडिंग होते हैं, एक जो है इनक्लाइनड होती है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है हम ये शो करते हैं टेली मार्किंग। तो यहाँ पर जो है ये एक रा तरीका होता है जिस तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं डेटा को, ठीक है, हम जो है आने वाले एक्सरसाइज में जो है ये देखेंगे किस तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो है ग्रुपिंग डेटा जो है यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है ग्रुपिंग डेटा, इसमें ग्रुपिंग डेटा क्या होता है, यहाँ पर आपको जो है रैंडमली आपको जो है नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से आपको जो है देखना है कि रेंज जिस तरीके से आप कहोगे कि 0 से 10 तक कौन कौन से नंबर्स इसमें हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप जो है इसको निकालोगे। इसी तरीके से 10 से 20 तक कितने नंबर्स हैं, 20 to 30 तक कितने नंबर्स हैं, ऐसे जो है आप निकालते रहोगे और आपको जो है एक फ्रीक्वेंसी टेबल मिलेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल वो होता है जहाँ पर आप जो है डेटा को जो है ऑर्डर वाइज रखते हो। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप जो है इसी की मदद से, इस डेटा की मदद से आप जो कहते हैं हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम जो है ये भी एक ग्राफ होता है, उसी की मदद से जो है वहाँ इन नंबर्स को हम जो है प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। तो यहाँ पर जो है ये अब जो है नेक्स्ट जो है हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि जिस तरीके से बार ग्राफ में जो है दूर दूर थे, जिस तरीके से वर्टिकल जो बार्स थे वो दूर दूर थे, मगर इसमें जो है यहाँ पर वर्टिकल बार्स जो है वो नज़दीक होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी होती है, इसी वजह से जो है इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। तो ये जो है ये इसमें इंट्रोडक्शन था, अब जो है इसकी एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।